हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ रोहित गुप्ता वेलकम टू माय चैनल क्रैक कंपटीशन आज हम बात करने वाले हैं एच क्यू इक्यावन सब एरिया की जो वैकेंसी थी स्टेनोग्राफर की पोस्ट की जैसे कि आपको पता ही होगा नारंगी कैंट की तो आज हम इसका ऑफलाइन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है ये आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जिससे कि आप अपनी कोई भी गलती वगैरह ना करो अपने अप्प्लीकेशन फॉर्म को फिल करते वक्त जैसे कि आपका एडमिट कार्ड है हंड्रेड परसेंट आए तो हम आपको जो भी इंस्ट्रक्शन बताएंगे वो सभी को आपको फॉलो करना है आपको कोई भी गलती वगैरह नहीं करनी है तो आपको करना है वीडियो को लाइक कर देना हम डिटेल में जाने वाले हैं इसकी अपली किस तरीके से फॉर्म फ़िलअप करना है तो आपको लाइक कर देने वीडियो को शेयर करने किसी एक खास दोस्त तो के साथ एंड अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल ऑलवेज अच्छी अच्छी वैकेंसी सभी के लिए लाता रहता है स्टेनोग्राफर की जो काफ़ी कम कैंडिडेट्स को पता होती है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन हो जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके वैकेंसी रिलेटेड एंड जो भी इसकी पीडीएफ वगैरह फॉर्म की पी डेफ है की पी है आपको यहाँ दोनों चीज़ों पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी नाउ विदाउट वेस्टिंग और टाइम स्टार्ट करते हैं अपने ये इसका अप्लाई प्रोसेस अगर आपको नहीं पता ये वैकेंसी जैसे जो कि हमने अपने ऑलरेडी चैनल पर कवर कर रखी है इस वीडियो के माध्यम से जैसे कि आप बताना चाहेंगे एच क्यू इक्यावन सवेरियन ये पिन कोड है नाइन जीरो एट एक्स सिक्स फिफ्टी वन में ये वैकेंसी ऑलरेडी आउट है जो कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट है जिसमें एक ही पोस्ट पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी जनरल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं लेवल फोर की है अठारह से तीस साल और बारी पास के साथ साथ स्टेनोग्राफर की आपको नॉलेज वगैरह होनी चाहिए बाकी ऑलरेडी हमने कवर कर रखे तो हमने आपको शॉर्ट में बता दिया अगर आपको ये वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स नहीं पता है तो और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें इस वीडियो में जानने वाले हैं किस तरीके से फॉर्म फिस को अप्लाई करना है फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये लिस्ट ऑफ़ द डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आप देख हो इन सब की पहले से ही प्रिपेयर रखो बाकी फोटो कॉपी आपको अटेस्ट करनी होगी इसके एप्लीकेशन फॉर्म के पीछे और जो कि फॉर्म की पी है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाना है ना डायरेक्टली हम चलते हैं अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते वक्त जो ऑफलाइन आपको फॉर्म फिल अप करना पड़ेगा और आपको सेंड करना पड़ेगा स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू तो आपको ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी है और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेन डॉक्यूमेंट्स बताना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी है आधार कार्ड की फोटोकॉपी ये सभी लगती है नेक्स्ट आफ्टर जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने ली है जो भी टेंथ की सर्टिफिकेट एंड ट्वेल्थ की सर्टिफिकेट या आपकी सब मार्कशीट वगैरह आपकी लगती है और किसी के पास डिप्लोमा वगैरह है सर्टिफिकेट का तो वो स्टेनोग्राफर का तो वो लगा सकता है अगर नहीं भी है तो कोई नहीं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो क्योंकि असेंशियल क्वालिफिकेशन में सिर्फ ट्वेल्थ पास मांग और ट्वेल्थ कास्ट के साथ साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए स्टेनोग्राफर की कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लगा सकते हो क्योंकि पोस्ट जनल कैंडिडेट्स के लिए तो जनरल कैंडिडेट्स ही अप्लाई करें और आपको जो भी है सिक्स लेटेस्ट साइट्स पार्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लगानी पड़ेगी जो मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी फॉर्म पे भी और एक्स्ट्रा भी डाल देना एक आदि ना वो बात करेंगे सबसे मेन चीज़ है फिफ्थ नंबर पे जो होती है टू सेल्फ सेल्फेटेस एनवलप आपको लगाने पड़ेंगे जो कि मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल के रूप में जिसमें आपको पच्चीस रुपये का स्टैंप लगाना पड़ेगा दोनों एनवलप में पच्चीस पच्चीस रुपये के स्टैंप लगेंगे जिसमें आपका फिफ्टी रुपीज़ का टोटल एक्सपेंडिचर होने वाला है न जो भी ये एन सी वगैरह ये सिर्फ एक सर्विस मैन वगैरह के लिए होती है बाकी ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी पाँच नंबर फ़ाइव तक ये सभी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट होती है तो ये सभी ज़रूर लगाएं और इसका जो वैकेंसी का नोटिस नंबर है आप इसको नोट डाउन कर सकते हो जहाँ पर आपको लिखने को मैं जहाँ बताऊँगा आपको उस पर फिल करना होगा ये रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर और ये एडवर्टीजमेंट नंबर इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा ई e एन अठारह इक्यासी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ ई एन अठारह स्लैश इक्यासी तो आपका ये एडवर्टीजमेंट नंबर है और रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर ये है तो आप इसको फिल करना एप्लीकेशन फॉर्म में ना डायरेक्टली हम चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने आपको ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो जाओगे और ये एड्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट डाउन कर लेना है क्योंकि मेन इन वाला पर आपको इस तरीके से एड्रेस फिल करना है जहाँ पर आपको सेंड करना होगा हेडकोार्टर फिफ्टी वन सब पिन नौ सौ आठ छः सौ इक्यावन इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्या करनी है फोटोग्राफ फो, तो पेस्ट करनी है जिस पर आपको सेल्फ अटेस्ट कर देनी है सेल्फ अटेस्ट मीनस आपको फोटोग्राफ पेस्ट करने के बाद आपको इस पर क्रॉस सिग्नेचर करना है जिसमें आपके हाफ सिग्नेचर जो होने चाहिए फोटो पे होने चाहिए और हाफ सिग्नेचर आपके फॉर्म पर होने चाहिए तो ये चीज़ ध्यान रखना काफ़ी कम कैंडिडेट्स जो होते हैं इसमें बहुत गलती करते हैं तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ को जो मैंने आपको बताया था रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है एंड जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे क्योंकि ऑलमोस्ट पोस्ट स्टेनोग्राफर की है तो आप स्टेनोग्राफर ही फिल करोगे अच्छे तरीके से आप ब्लू प्लेन से फिल करना कैपिटल लेटर्स में फिल कर सकते हो और विदाउट मिस्टेक आपको ये ध्यान रखना है जो भी ब्लॉक लेटर्स में कहा गया उसको ब्लॉक लेटर्स में फिल करना जैसे आपका नेम है उसको आपको फिल करना है अगर मैं ऐसे ए एग्जाम्पल के रूप में लूँ अगर किसी का नाम केशव है तो आप केशव इस तरीके से लिख सकते हो आपके जो भी फादर्स का नाम है आप फादर्स का नाम लिखोगे एंड डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी डेट एंड मंथ एंड ईयरस एं आपको देख है इस तरीके से आपको फिल करनी है और इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट है आपको उन्नीस अगस्त देखने को मिलेगी तो आप इसके लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हो और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड बाकी नेक्स्ट फर्दर अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर दिए जाएंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बात करते हैं आपका जो भी कॉरस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस है हाउस नंबर से लेकर आपका जो भी पुलिस स्टेशन पिन कोड है हर एक चीज़ आपको एकदम क्लियरली में मेंशन कर देनी है विदाउट मिस्टेक तो ये ध्यान रखना इस चीज़ को और जो भी आप अपनी अर्लियर क्वालिफिकेशन आपके पास है टेंथ का ट्वेल्थ का तो ट्वेल्थ पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए तो जो भी अपनी अगर ट्वेल्थ पास भी कैंडिडेट है तो अपनी टेंथ एंड ट्वेल्थ के आपको इस तरीके से फिल कर देना है कौन से नेम ऑफ द स्कूल स्कूल का स्कूल का नाम डाल सकते हो शॉर्ट में एंड जो भी जिस भी बोर्ड से आपने कराया सी सी बोर्ड से कराए यू बोर्ड से कराया राजस्थान बोर्ड से करा, है, से करा, है, से करा है, जिस भी बोर्ड से आपने कराया यहाँ आप पर आप उसका बोर्ड का नेम एंड कितनी परसेंटेज आपने ऑप्टेंट करी अपनी अर्लियर क्वालिफिकेशन में इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से इसमें फिल वगैरह कर देना है जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आप उस पर टिक मार्क कर सकते हो एंड या अगर फिजिकल हैंडी कैप एक्सर्विस मैन या अदर हैं इसको आप कर सकते हो अदरवाइज़ आपको इसको छोड़ देना है पर लेकिन इस कॉलम को ज़रूर फ़िल करना नेक्स्ट आफ्टर जो भी है अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो आपके लिए फ़िल करना अदरवाइज़ आप मत फिल करना और फिजिकल हैंडी कैप के लिए आइए तो जो भी फिजिकल हैंडी कैप है तो ये फिल कर सकते हैं बाकी आप जो भी है रजिस्टर्ड करा रखा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपने नाम वर् दर्ज वगैरह करा रखा है तो यस करना अदरवाइज़ नो डाल देना यस करवा रखा है तो आप उसमें नंबर डाल देना अगर नहीं करा रखा तो आप कुछ फिल करना ये जो भी प्रेजेंट पीरियड ऑफ टाइम में गवर्नमेंट इंप्लाई है आप उसको फिल करना है बाकी आपको नॉर्मल जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनको अप्लाई नहीं करना है इसको फिल वगैरह नहीं करना और बात आती है डिक्लेरेशन की तो आपको जिस दिन आप डेट फिल करोगे अपना फॉर्म सेंड करोगे उस दिन की डेट डाल देना और जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसका प्लेस डालोगे और अपने सिग्नेचर जो जो भी आपका नाम है जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसको आपके सिग्नेचर करने होंगे बाकी इसको आपको फिल नहीं करना ये ऑफिसियल रिकॉर्ड के लिए है तो इसको फिल मत करना ये ध्यान रखना इस चीज़ को आपको फिल नहीं करना है ना उस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड भी आपको दो तरीके से निकलवाने पड़ेंगे दो फोटो कॉपी जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें आपको फोटोग्राफ लगानी है सेम एज़ इट इज़ फोटोग्राफ पेस्ट करने के बाद हाफ सिग्नेचर आपके फोटो पे और हाफ सिग्नेचर आपके फॉर्म पर जो जो भी आपका नेम है जो भी बेसिक डिटेल्स सा है आपको सारी फ़िल कर लेनी है डेट ऑफ बर्थ फादर्स नेम एंड जो भी आपको घर का ए टू जेड डिटेल एड्रेस आपको हाउस नंबर से लेकर पिन कोड तक और ये आपको फिल नहीं करना ये सभी चीज़ें बस आपको यहाँ तक फ़िल करनी है बाकी ये सभी चीज़ जो है जैसा कि आप देख सकते हो एप्लीकेशन वन से लेकर चार तक आपको फिल करनी है बाकी सारी चीज़ें आपको फिल नहीं करनी बाकी ऑफिशियल परपज़ के लिए है और बात करते हैं अपने ये नेक्स्ट चीज़ ये भी एज ए डीज़ आपको एडमिट कार्ड है रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए जो बुलाया जाएगा फोटो पेस्ट करना उसके बाद सेल्फ अटेस्ट कर देना हाफ फोटो हाफ़ साइन फोटोग्राफ पे और हाफ साइन फॉर्म पे जो भी आपका नेम है डेट ऑफ बर्थ है फो फादर्स का नेम है अपने घर का डिटेल एड्रेस आपको यहीं तक फिल करना है बाकी जो भी है वन टू फोर जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वन टू फोर तक ही फिल करें बाकी जो भी है ऑफिशियल पर्पस के लिए तो आपको ये फिल नहीं करना तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी इस तरीके से आपका ये फॉर्म वगैरह फिलप हो जाएगा उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दिया था और बात करते हैं इस तरीके से आपका जो भी है सेल्फ एड्रेस एनवलप देखने को मिलेगा सेल्फ एड्रेस एनवलप ऐसे दो आपको एनवलप डालने होंगे अपने मेन एनवलप में आपको मैं बताऊँ तो आपको टोटल तीन एनवलप खरीदने होंगे में से आपके जो होंगे दो होंगे सेल्फ अटरजन वल्प एंड एक जो होगा आपका मेन एन वलअप जिसमें आपको सेंड करना है तो तीनों चीज़ आपको ये बता दी मैंने आपको बात करते हैं ये आपको इस तरीके से आपका सेल्फ अटरजेंड वल्प होगा जिसमें आपका एग्जामिनेशन से रेलेटेड कॉल लेटर वगैरह आएगा तो आपको इसको ध्यान से भरना है अच्छे तरीके से इसमें आपको टू डाल के अपना नेम अपने फादर्स का नेम अपने घर का डिटेल एड्रेस और अपना लैंडमार्क और अपने एक्टिव मोबाइल नंबर डाल देना जिससे कि अगर आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा कभी कॉल वगैरह आता है तो आप उसको पिक कर सको अपने एडमिट कार्ड को और इस पर ऐसे करके आपको पच्चीस रुपये की स्टैंप लगानी है ये एक तरीका है और ऐसे करके आपको दो तरीके से आपको स्कप करने हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही आपको दो वाला प्लेन है सेल्फ हर्ज एनवलप और दोनों पे आपको 25-25 की स्टैंप लगानी है जैसे कि मैंने आपको बताया था पचास रुपये का एक्सपेंडिचर आने वाला है तो ये दो दो आपके सेल्फ एड्रेस डेंवलप होंगे जिसमें आपके ये सभी चीज़ें होंगी और इन, इनको जो खाली रखना है काफ़ी कैंडिडेट्स के, के मन में सवाल होता है तो इसमें कुल फिल वगैरह नहीं करना होता इसे खाली रखना होता है और मैंने बताया या इस तरीके से आपका मेन एंडवेल्प या फिर अपने अनुसार आप इतना मेन एंडवेल्प ले सकते हो जिससे कि आपके ये दो सेल्फ्रे सेल्फ एड्रेस डेंवेलप आ जाएँ और ये आपका डॉक्यूमेंट सारे अटैच हो जाएँ और सारे अपने लग, सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएँ और आपका जो फॉर्म वगैरह है वो भी आ जाए तो ये ध्यान रखना और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे सभी के नीचे साइन कर लेना है सिग्नेचर कर लेना और ये सारे सेल्फ अटेस्ट हो जाएंगे आपका फॉर्म भी और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्ट हो जाएंगे और उसके बाद सारी चीज़ें मेन एनवेलप में एन पर आएंगी जो आपका मेन एनवेलप रहने वाला है इसमें आपको सबसे ऊपर टॉप पर पे लिखना होगा अपल्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो क्योंकि स्टेनोग्राफर की पोस्ट है तो आपको यहाँ पर स्टेनोग्राफर फिल करना एंड कैटेगरी जनरल से हैं तो आप अपनी जनरल कैटेगरी आपको यहाँ पर मैंशन करनी होगी टू डाल के मैंने जो आपको एड्रेस नोट करवाया था आपको इसको फिल कर देना है मेन एनवेलप पर क्योंकि आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको सेंड करना पड़ेगा तो पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो वो इसको यहाँ पर सेंड कर देंगे फॉर्म डाल के आप अपना नेम अपने फादर्स का नेम अपने घर का डिटेल एड्रेस और अपने मोबाइल नंबर डाल सकते हो जैसे कि जो भी आप सेंडर्स हो आपको जो भी भेज रहे हो वो यहाँ पर फॉर्म डाल के एड्रेस आता है और टू डाल के जिसको भेजना है वो उसका एड्रेस यहाँ पर आता है तो ये चीज़ें मैंने आपको अवगत कराई सभी चीज़ें और ये ध्यान रखना कि आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कर देना है और आप इसको पोस्ट ऑफिस कर सकते हो जाके और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टैम जरूर लगा लेना अपने सेल्फ एड्रेस डैनवेलप पर जो कि पच्चीस पच्चीस रुपए के दो स्टैंप होंगे और दोनों एनवल एन्व, पे अलग अलग लगाने हैं फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है आपको कुछ समझ वगैरह नहीं आया हो स्पोस रिलेटेड जो कि स्टैनोग्राफर की पोस्ट है इसके एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है तीस जुलाई से स्टार्टेड हो चुके हैं और उन्नीस अगस्त इसकी लास्ट डेट है अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो स्पोस रिलेटेड तो आप को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहाँ पर डायरेक्टली पूछ सकते हो अगर आपको कमेंट में ही पूछ सकते हो आपको कोई दिक्कत परेशानी हो व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर तो आपको वीडियो को लाइक कर दी है एंड चैनल को शेयर कर देना है किसी के क्लास फ्रेंड के साथ एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें जिससे कि अपकमिंग अपडेट्स आपको इस वैकेंसी से रेटेड और आने वाली स्टेनोग्राफर की हर एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर दिए जाएंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो